क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिए में जो तेल भरा जाता है, वो जो तेल होता है वो इसके पलीता से ऊपर कैसे चढ़ता है, और पेड़ में जो है पत्तों तक पानी किस तरह से पहुंचता है। इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये कैपिलरी राइज क्या होता है, इसके मैकेनिज्म को आपको समझना होगा। तो इसे समझने के लिए हमने जो है यहां पे एक कंटेनर में जो है कंसीडर किया हुआ है लिक्विड, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर हम इस लिक्विड में जो है एक बहुत ही पतला सा जो है ग्लास का बना हुआ है ट्यूब, अगर उस ट्यूब को जो है इसमें डाल देते हैं, तो यहां पे ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड इस ट्यूब में जो है ऊपर चढ़ जाता है, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है कैपिलरी राइज। अब हमें आगे ये देखना है कि ये जो लिक्विड होता है ये इसमें चढ़ क्यों जाता है। तो होता ये है कि जब हम यहां पे इस ट्यूब को इसमें डालते हैं, तो यहां पे देखें, यहां पे जो लिक्विड का सरफेस है ये कर्व वाला शेप ले लेता है। यहां पे ये जो सरफेस होता है इसे कहते हैं हम, ये कनकेव मेनिस्कस है ये। अब होता ये है कि यहां पे जो प्रेशर होगा, ऑब्वियसली यहां पे जो प्रेशर होगा ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पे जो प्रेशर होगा ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए नाम दे देते हैं कि यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये है पी। अब अगर हम यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करें, तो यहां भी जो प्रेशर होगा वो भी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम प्रेशर होगा पी, और यहां पे भी जो होगा प्रेशर वो भी होगा पी, क्योंकि यहां पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब अगर इसके इस सरफेस के बिल्कुल ही नीचे बहुत ही करीब यहां पे अगर हम एक पॉइंट यहां पे कंसीडर करते हैं, तो यहां पे जो प्रेशर होगा ये भी होगा पी, क्योंकि ये बहुत ही करीब है ये, और अगर हम यहां भी कंसीडर करते हैं तो यहां भी होगा प्रेशर पी। यहां पे ये देखें, ये एक प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, लेकिन यहां पे देखें तो ये प्लेन सरफेस नहीं है, यहां पे ये एक कनकेव शेप में है ये, तो ऑब्वियसली यहां पे जो प्रेशर होगा ये पी नहीं होगा। हमने लास्ट वाले वीडियो में ये देखा था कि अगर यहां पे एक एयर बबल हो, अगर एक जो है यहां पे एयर बबल हो, ये मान लेते हैं कि ये एक एयर बबल है, और ये जो है ये एक लिक्विड में बना हुआ है, यहां पे जो है ये एयर बबल, एयर बबल जो है ये पानी में बना हुआ है। सो अगर यहां पे ये एयर बबल जो है यहां पे ये पानी में बना हुआ है, तो होता ये है कि अगर इस एयर बबल का जो रेडियस है, अगर इसका जो रेडियस है ये मान लेते हैं कि ये रेडियस आर है, और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं वो है पी वन, अगर ये प्रेशर पी वन है, और बाहर का यहां पे जो प्रेशर है ये मान लेते हैं कि ये है पी टू, तो होता यह है कि अंदर का जो प्रेशर होता है पी वन ये बड़ा होता है इस पी टू से। कितना बड़ा होगा? ये बड़ा होगा यहां पे पी वन इक्वल टू, हम कहेंगे कि ये बराबर होगा पी टू प्लस 2t by r, तो 2t by r इतना बड़ा है यहां पे ये p1 p2 से। यहां पे ये जो t आपको दिख रहा है ये लिक्विड एयर इंटरफेस का यहां पे ये जो सरफेस टेंशन है वो है, और ये जो r है ये है इस बबल का रेडियस। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो p2 है, ये जो p2 है ये बराबर होगा p1 minus 2t 2t by r। तो यहां पे ये जो P2 है हम ये कह सकते हैं कि ये P2 P1 से कम है। कितना कम है? ये कुछ इतना कम है। तो अभी अगर आप यहां पे, अगर आप जो है सिर्फ इतने पार्ट को यहां पे देखें, सिर्फ इतने पार्ट को यहां पे देखें, और इतना ही पार्ट अगर आप यहां पे भी देखते हैं यहां पे, तो देखें दोनों चीजें आपको सेम नजर आएंगी। यहां पे देखें तो क्या है, यहां पे एयर है, इस जगह पे एयर है, तो यहां पे देखें तो यहां पे भी एयर है, और नीचे देखें तो यहां पे पानी है, मुझे कहना चाहिए कि यहां पे लिक्विड है, तो यहां पे देखें तो यहां पे भी लिक्विड है, तो सेम चीजें यहां पे नजर आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो प्रेशर है इस जगह पे, यहां पे इस जगह पे जो प्रेशर है वो कम है इस पी से। कितना कम है? ये होगा 2t by r कम होगा। तो यहां पे जो प्रेशर है इस जगह पे, जो प्रेशर है ये होगा यहां पे p माइनस माइनस 2t by 2t by r। सो यहां पे ये कुछ इतना कम है, ये वाला लॉजिक आप यहां भी अप्लाई करें। यहां पे ऊपर जो है पी प्रेशर है और नीचे कुछ इतना प्रेशर है, मतलब यह है कि नीचे वाला जो प्रेशर है वो यहां पे इस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी से कम है। कितना कम है? ये कुछ इतना कम है। तो अब
यहां पे इस कैपिलरी ट्यूब के दोनों साइड में देखें तो यहां पे इस जगह पे प्रेशर और इस जगह पे प्रेशर जो है ज्यादा है यहां के इस जगह के प्रेशर से। तो इस प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए होता यह है कि यहां से जो है लिक्विड जो है यहां से अब आता है और इस कैपिलरी ट्यूब में जो है यहां पे ये ऊपर चढ़ता है। तो यहां पे ट्यूब में जो है लिक्विड ऊपर चढ़ता है। तो हमने ये मान लिया कि यहां पे जो ट्यूब में लिक्विड ऊपर चढ़ा है ये एच हाइट तक चढ़ा है। सो यहां पे जो हाइट है यहां पे ये है एच। तो एच हाइट तक यहां पे जो लिक्विड है ये यहां पे ऊपर चढ़ गया है। अब देखें, अब यहां पे अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ही होगा, इस जगह पे जो है ये प्रेशर जो होगा यहां पे पी ही होगा। लेकिन इसके ठीक नीचे अगर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो यहां पे जो प्रेशर होगा ऑब्वियसली यहां के प्रेशर से जो है कम होगा। कितना कम होगा? यहां पे कम होगा 2T/R। दैट मीन इस जगह का जो प्रेशर होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा इसके। लेकिन इस जगह पे अब जो प्रेशर होगा वो ये वाला प्रेशर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब देखें यहां पे एच हाइट तक जो है लिक्विड इस ट्यूब में ऊपर चढ़ गया है। अब इस लिक्विड कॉलम के कारण जो है यहां पे इस जगह पे जो है एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो प्रेशर कितना होगा वो हमें पता है कि अगर इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो अगर रो हो, चलिए मान लेते हैं कि इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है, तो यहां पे इस लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच। तो यहां पे इतना प्रेशर जो है यहां पे अब बढ़ जाएगा इस लिक्विड के कॉलम के कारण। तो यहां पे अब जो प्रेशर होगा यहां पे ये इतना ऐड और हो जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम एच इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो प्रेशर है ये अब जो है यहां पे हो गया है इतना। तो अब हमें पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। तो दैट मीन अगर हम यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह से बनाते हैं तो यहां पे जो प्रेशर होगा इस जगह पे वो बराबर होगा इस जगह के प्रेशर के। तो अगर यहां पे प्रेशर पी है तो ये प्रेशर जो है यहां के प्रेशर के बराबर होगा। दैट मीन ये जो पी है ये बराबर होगा इस टर्म के। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और हम यहां से आगे लिखेंगे कि ये जो प्रेशर होगा पी ये बराबर होगा P माइनस 2T/R प्लस रो जी एच के। तो अब यहां पे ये जो P है इस P के साथ यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये बराबर होगा यहां से ये बराबर होगा 2T/R इक्वल टू रो जी एच के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो हाइट होगा h ये बराबर होगा यहां पे 2t डिवाइडेड बाय r इनटू रो इनटू g के, इसके बराबर होगा। तो यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो r है ये एक अननोन टर्म है, इसका जो वैल्यू है ये हमें पता नहीं है। तो ये r जो है ये है क्या? ये इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस कंकेव मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इस आर को पता करने के लिए हम जो है इतने पार्ट को, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे थोड़ा सा जो है हम इनलार्ज करके देखेंगे तो हमें ये जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहां पे ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ये होगा, हमने मान लिया कि यहां पर यह होगा थीटा। So, यहां पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ये हमने मान लिया कि यहां पे ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये है थीटा। और इस कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो हमने मान लिया कि वो है स्मॉल आर। तो यहां पे इस कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो हमने मान लिया कि वो ट्यूब का रेडियस जो है ये है स्मॉल आर। अब इस कंकेव शेप को देखें, इसका जो रेडियस होगा, क्योंकि अगर हम इसे जो है कुछ इस तरह से ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसका जो रेडियस होगा वो यहां पे देखें वो कुछ यहां पे आएगा, इस जगह पे इसका रेडियस होगा। तो दैट मीन हम जो है यहां पे इसके रेडियस को ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए जो है हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां से जो है इसे कुछ ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया इसका रेडियस। तो ये जो रेडियस है ये है आर। तो यहां पे ये जो रेडियस होगा ये होगा यहां पे आर, और हम जो है यहां पे इसे नीचे ड्रा करेंगे और जो है हम इसे कुछ इस तरह से मिला देंगे। तो यहां पे आप ये ज्योमेट्री से ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली यहां पे ये जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। तो यहां पे देखें तो ये जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा, ये जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा
कोसाइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा यहां पे ये जो बेस है ये डिवाइडेड बाय इसका जो ये हाइपोटेन्यूस है ये, तो इसका जो बेस है ये है, इससे ट्यूब का जो रेडियस है वो डिवाइडेड बाय यहां पे इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये बराबर होगा यहां पे रेडियस ऑफ द ट्यूब डिवाइडेड बाय यहां पे ये जो कोसाइन ऑफ थीटा है ये। तो अब हम यहां से ये वाला जो वैल्यू है इसे जो है हम यहां पे इस आर के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो एच होगा ये बराबर होगा यहां पे टू टी और यहां पे ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पे इसका जो रेडियस है, इस ट्यूब का जो रेडियस है ये, और यहां पे ये जो इसका डेंसिटी होगा रो, और यहां पे ये होगा जी। तो ये रहा इस हाइट के लिए फार्मूला, मतलब इतने हाइट तक जो है लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ता है। तो अब देखिए यहां पे ये जो आर है ये जितना कम होगा इसका वैल्यू जितना कम होगा, अर्थात कैपिलरी ट्यूब जितना पतला होगा उतना ज्यादा हाइट तक जो है लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, और यहां पे ये जो डेंसिटी है ये जितना ज्यादा होगा, ये जो डेंसिटी है ये जितना ज्यादा होगा उतना कम हाइट तक जो है ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। और देखें ये जो थीटा है ये इसका वैल्यू जितना कम होगा कोसाइन ऑफ थीटा का जो वैल्यू है वो उतना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा हाइट तक जो है लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। अगर ये जो थीटा है अगर आप देखें अगर इसका वैल्यू जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है, अगर यहां पे थीटा जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो इस केस में यहां पे ये जो कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू आएगा ये निगेटिव आएगा, और निगेटिव आने का मतलब ये है कि यहां पे जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर नहीं चढ़ेगा बल्कि वो नीचे चला जाएगा। इसीलिए जब हम कैपिलरी ट्यूब को जो है मरकरी में डालते हैं तो होता ये है कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और यहां पे ये जो कोसाइन ऑफ थीटा है इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, और इसीलिए जो है जब हम कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में डालते हैं तो जो लिक्विड होता है वो ट्यूब में ऊपर नहीं चढ़ता है बल्कि नीचे चला जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, अगले वीडियो में जो है हम इसी फार्मूले को जो है एक और तरीके से प्रूफ करेंगे जिसे कि हम एसेंट फार्मूला कहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।